नमस्कार दोस्तों, LDC CRPF के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रिकी समास के बारे में बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका में। तो चलिए चलते हैं, समास के बारे में जानते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। ध्यान रखना दोस्त, इसमें क्या है, सार्थक शब्द होना चाहिए। समास के कितने भेद होते हैं? समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे? द्वंद्वि अब तक। द्वंद्वि का मतलब द्वंद्व समास। द्वि का मतलब द्विगु समास। अ का मतलब हो गया अव्ययी भाव। बहुव्रीही, ब से हो गया बहुव्रीही समास। त से हो गया तत्पुरुष। और क से हो गया कर्मधारय समास। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, द्वंद्वि अब तक करने से हमें 6 समास के बारे में हमको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब द्वंद्व समास को पहचानने का क्या तरीका है वो ध्यान रखें। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और दूसरा विलोम शब्द हो, और तीसरा संधि विच्छेद करने पर और या य आए, तो समझ लेना कि वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण के तौर पे चलिए समझते हैं उदाहरण। पाप पुण्य में योजक चिन्ह आ गया पहले, और संधि विच्छेद करेंगे तो पाप और पुण्य होगा। माता पिता में योजक चिन्ह और आ गया संधि विच्छेद करने पर। देश विदेश में योजक चिन्ह और संधि विच्छेद करने पर और आ गया। सुरासुर में सुर या असुर, यहाँ पे क्या बोले, पहले बोला गया था संधि विच्छेद करने पर और या य हो गया, तो सुरासुर में होगा सुर या असुर, यानी सुरासुर हो गया। खरा खोटा में हो गया योजक चिन्ह और ये हो गया और। छल कपट में छल योजक चिन्ह, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं होता है तो ये मत सोचना, उसका संधि विच्छेद कर लेना, छल और कपट हो जाएगा। आगे पीछे हो गया आगे और पीछे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो चलिए नेक्स्ट समास के बारे में जानते हैं। अब आ जाइए द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक, जैसे तिरंगा हो गया तीन रंगों वाला, नवरात्र नवरात्रि, चौराहा में 4 आ गया, त्रिकोण में 3 आ गया, दोपहर में 2 आ गया। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए द्विगु समास में। अच्छा, अव्ययी भाव समास में चलिए देखते हैं। अव्ययी भाव समास को शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। एक शब्द दो बार आए तो अव्ययी समास होगा, जैसे रातों रात दिनों दिन, अगर ये शब्द आ जाएगा तो समझ लेना अव्ययी भाव समास होगा। और तीसरा ट्रिक है इसको पहचानने का, पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखिए इसको चलिए हल करते हैं। अनुरूप में अनु जो है उपसर्ग हो गया, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, अनुर्धन रूप हो गया। यथा संभव में यथा हो गया, अजानमा में आ हो गया, भरपेट में भर हो गया, दिनों दिन में हो गया दिन हो गया, रातों रात में रात हो गया। इसमें दो शब्द आया है तो यह अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका संधि विच्छेद दोस्त करेंगे तो अपने आप ये पता चल जाएगा। अव्ययी भाव समास में कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है इसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं लोग, तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कहानी के माध्यम से। अनु यहाँ आ पानी
भर प्रतिदिन ये याद कर लेंगे तो आपका अव्ययी भाव समाप्त हो जाएगा। इसी में आता है हमेशा, अनु से हो गया अनुरूप, यहाँ से हो गया यथा संभव, आ से हो गया अजन्मा, पानी से हो गया पानी हो गया, और भर से हो गया भरपेट हो गया, प्रतिदिन से हो गया प्रतिदिन। ये ट्रिक आप कहानी के माध्यम से याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट तत्समास हो गया तत्पुरुष समास। समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें कारक चिन्ह होता है कौन कौन सा, जैसे का हो गया, की हो गया, के हो गया, को हो गया, लिए हो गया, पर हो गया, मैं हो गया, से हो गया, इत्यादि कारक चिन्ह होता है। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इन सब का लोप हो जाता है, तो समझ लेना कि तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण चलिए देखते हैं। यश प्राप्त, यश प्राप्त का संधि विच्छेद करेंगे तो यश को प्राप्त, यहाँ पे कारक चिन्ह को का लोप हो रहा है इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। मन चा, मन से चा, यहाँ पर से का लोप हो रहा है। इसी तरह राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र, का लोप हो रहा है। आप बीती हो गया, आप पर बीती हो गया। शिव आलय हो गया, शिव का आलय। इसमें दोस्तों आप लोगों का ये लोप हो जाता है। अच्छा, तत्पुरुष समास के अब भेद जान लेते हैं। तत्पुरुष समास के टोटल 6 भेद होते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष में का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से और के का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में लिए का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष में का, की, के का लोप होता है। अपादान में से का लोप होता है। और अधिकरण में और पर का लोप होता है। इसमें अगर दोस्तों कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा तो समझ लेना कि वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम दोस्तों है LDCECRPF, और उसमें आगे लिखेंगे कुंदन पाल। नेक्स्ट समास हो गया कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, या संधि विच्छेद करने पर के समान या है जो आता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। संधि विच्छेद करेंगे हमेशा तो के समान और है जो आता है। या प्रकृति का वर्णन किया गया हो, या विशेषण विशेष्य को दर्शाता हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। चरण कमल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चरण के समान कमल। पहले बताया था के समान का, के समान या है जो आता है, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखें। कमल नयन, कमल के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि। दोस्तों इसको ध्यान रखना संधि विच्छेद। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाले। परमानंद, परम है जो आनंद। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्मधारय समास में आप संधि विच्छेद करिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट समास के बारे में जानते हैं, बहुव्रीही समास। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा दोनों मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, बहुव्रीही समास कहलाता है। या देवी देवताओं का नाम आता हो, इसमें बहुव्रीही समास होता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो समास में कभी किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। घन श्याम, घन के समान है जो श्याम, अर्थात श्री कृष्ण। इसमें पहले बताया गया है दोनों मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तीसरा पद कौन सा होगा, श्री कृष्ण, समझे। लंबोदर, लंबा है उदर जिनके, अर्थात श्री कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात श्री शंकर भगवान। नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात शंकर भगवान। दशानन,
दस है आनन जिनके अर्थात रावण। निशाचर, निशा यानी रात में विचरण करने वाला यानी राक्षस को हम निशाचर कहते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।